Hey friends, good morning and welcome back to my channel Manshi Vlogs. आज का जो वीडियो है मेरा इट्स अबाउट व्हाट आई ईट इन अ डे. तो आज पूरे दिन मैं आपको लेके चलूंगी अपने किचन में कि मैं पूरे दिन क्या बनाती हूँ और हम पूरे दिन क्या खाते हैं. सो हमारी मॉर्निंग स्टार्ट हो गई है. सुबह मैंने चाय पी ली है. तो अभी मैं आई हूँ किचन में बनाने के लिए ब्रेकफास्ट. एंड ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ द स्वीटेस्ट एंड यमीएस्ट पैनकेक्स. और इसको थोड़ा हेल्दी बनाने के लिए मैं इसमें डालने वाली थोड़े से नट्स और फ्रूट्स. सो लेट्स बिगिन. सो पैनकेक के लिए मैंने यहाँ पे लिया है आटा. ये एप्पल है, इसको हम ग्रेट करेंगे. न्यूटेला ये ऊपर स्प्रेड करने के लिए पैनकेक के ऊपर. हनी आप शुगर यूज़ कर सकते हैं या फिर गुड़ यूज़ कर सकते हैं. ये है वॉलनट, इसको मैं थोड़ा सा कूट लूँगी और इसका पाउडर डालूँगी. एक एग, वनीला एसेंस खुशबू के लिए, आप चाहो तो उसको स्किप भी कर सकते हो. और बैटर बनाने के लिए दूध. चलिए शुरू करते हैं. बैटर इज रेडी. गैस गर्म हो गया है, मैं इस पर ऑयल लगाऊंगी. ये बैटर डाल देंगे. हम इसको धीरे धीरे रोल कर लेंगे. अब हम इसको सर्व करेंगे. इसको सर्व करेंगे आटे के साथ. जैसे हमारा ब्रेकफास्ट रेडी है एंड इट लुक्स सो यमी. तो पैनकेक बन गया सुभाष और अनन्या के लिए एंड फॉर मी आई एम गोइंग टू बॉइल सम एग्स. अभी पुणे में काफ़ी गर्मी हो गई है तो इस वजह से इस टाइम पे हम या तो छाछ, नींबू पानी ये बनाते हैं. सुभाष के लिए बन रही है छाछ और मेरे और अनन्या के लिए बनता है लेमनेड. क्योंकि अगर आप मेरा ब्लॉग फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि मुझे दही बिल्कुल नहीं पसंद है. अनन्या इज एंजॉइंग हर मिंट लेमनेड व्हाइल डूइंग हर होमवर्क. तो मॉर्निंग में जो हमने ब्रेकफास्ट किया था थोड़ा मीठा मीठा था तो उसके बाद कुछ चटपटा सा हमको खाने का मन कर रहा था. तो आफ्टरनून में लंच में मैं सोच रही हूँ आज बनाती हूँ पनीर टिक्का और रोल बना लूंगी उसका, तो थोड़ा लंच हो जाएगा. आप स्टार्टर में खाना चाहते हो तो उसको सिर्फ एज ए पनीर टिक्का भी खा सकते हो. तो मैं साथ में रोल बना दूंगी तो थोड़ा हैवी लंच जैसा हो जाएगा. तो इसके लिए जो पनीर है वो भी मैं घर पे ही बनाती हूँ. इसका जो रेसिपी है मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में शेयर किया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं. लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. पनीर को है हम मोटा मोटा काट लेंगे. सबसे पहले मैंने लिया है दही. दही में मैं डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ी सी काली मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला, जीरा पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला. मेरे पास ये चिकन का तंदूरी मसाला था तो मैं ये डाल रही हूँ. आपके पास नहीं है तो आप उसको छोड़ सकते हैं. थोड़ा सा लाल मिर्च, मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है. थोड़ा सा सरसों का तेल, आप इसमें कोई और तेल भी यूज़ कर सकते हैं. थोड़ा सा बेसन और इसमें निचोड़ेंगे हम नींबू का रस. इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे. इसमें हम डालेंगे नमक, अच्छे से मिक्स कर लेंगे. तो इसमें मैं डालूंगी पहले पनीर, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे.
इसके बाद इसमें हम डालेंगे ये सब्जियां कटी हुई, मैं ले रही हूँ अनियंस और कैप्सिकम, आप और भी सब्जियां इसमें ऐड कर सकते हो। तो ये हमारा मैरिनेशन अभी हो गया है रेडी, अब इसको हम ढक के रख देंगे आधे घंटे के लिए। तो अब मैं बनाऊंगी हरी चटनी। हरी चटनी के लिए मैं ले रही हूँ धनिया पत्ता, जिसमें मैंने थोड़े से मिंट लीव्स भी डाले हुए हैं। इसमें मैं डालूंगी थोड़े से लहसुन, हरी मिर्च और दही और नमक। अब हम इसको पीस लेंगे। तो यही हमारी हरी चटनी रेडी। तो जो रोल के लिए रोटी या फिर पराठा होगा उसके लिए जो आटा गूंदेंगे वो हमको सॉफ्ट आटा चाहिए, इसलिए आटे में नमक और तेल डालने के बाद मैं उसको दूध के साथ गूंदूंगी और फिर उसको आधे घंटे के लिए ढक के रख दूंगी। तो मेरे पास ये स्क्रूवर्स हैं, स्क्रूवर्स को मैं ग्रीस कर लूंगी। हम बाकी में भी लगा लेंगे। तो हमारे पनीर जो है वो ग्रिल में जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। उनको जो है मैंने 240 डिग्री पे प्रीहीट कर दिया था, अब उसको 20 मिनट्स के लिए ग्रिल करेंगे। तो अगर आपके पास अवन नहीं है तो आप इसको तवे पे भी बना सकते हैं, तो मैं दिखाती हूँ आपको तवे में कैसे बना सकते हैं। आप तवे पे हम डालेंगे तेल, तेल ड्रिजल कर देंगे इसको। हमारा जो पनीर टिक्का है वो रेडी हो गया है। तो मेरे अवन वाले पनीर भी रेडी हैं। कितना सुंदर कलर आया है इनका। यम्मी। मैंने और ये था किया था। हाँ। और ये है जो तवे में बनाया था, तो कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ऑलमोस्ट सेम। मस्त है। यस। अब इनको मैं प्लेट में तो ये रेडी हो गए मेरे पनीर टिक्का। आप इसको एज ए स्टार्टर ऐसे भी खा सकते हैं, पर मैं इनका रोल बनाने वाली हूँ। मैंने पतली पतली रोटी पराठे बनाने के लिए बिल्कुल पतला पतला आटा को रोटी जैसा बेल लिया है और इसमें ऑयल लगा के उसको ऐसा सेक लिया है। फिर पराठे पे मैं केचप डालूंगी हल्का सा। अभी जो मेरा पनीर टिक्का है उसको धीरे से निकाल लेंगे। मेरा टिक्का रोल्स रेडी है। यहाँ पे उबल रही है मेरी शाम की चाय और चाय के साथ मैं खाने वाली हूँ थोड़े से मखाने और थोड़े से नमक पारे।
मखानों को मैंने घी में थोड़े से मसाले डाल के रोस्ट कर लिए हैं और ये नमक वाले भी मैंने घर पे बनाए हैं। यस खाओ, गो 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 ईट। तो अभी डिनर में मैं बनाने वाली हूँ पास्ता। जो पास्ता है उसमें मैं बहुत सारी सब्जियाँ डालती हूँ, जैसे कैप्सिकम, प्याज, ब्रोकली, कॉर्न्स और भी काफ़ी सब्जियाँ जो भी अवेलेबल होती हैं। पर अनफॉर्चुनेटली आज ज़्यादा सब्जियाँ नहीं हैं। कैप्सिकम आफ्टरनून में टिक्का में डाला, मैंने ख़त्म हो गया। और अभी जैसे पुणे में 3-4 दिन से कर्फ्यू लगा हुआ है, तो कल से कर्फ्यू खुलेगा तो सब्जियाँ कल से आनी शुरू होंगी, तो 3-4 दिन से कोई सब्जियाँ नहीं आई हैं। तो अभी मेरे पास जो सब्जियाँ हैं मैं उसी से बना रही हूँ। तो आप इनमें जो मैं सब्जियां डाल रही हूँ उसके अलावा आपके पास अगर कुछ और सब्जियां हैं, सेम प्रोसेस, बस वो सब्जियां आप साथ में उसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे एक साइड पे मेरे पास्ता बॉईल हो रहे हैं, मैं पानी में थोड़ा सा नमक डाल के पास्ता बॉईल कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने सब्जियां काट ली हैं। सब्जियों में मैं यूज़ कर रही हूँ टमाटो, अनियंस, ये है स्पिनच, पालक और थोड़े से लहसुन। तो इनको मैंने बड़ा बड़ा काट लिया है क्योंकि इनको हम हल्का सा सॉटे कर लेंगे, उसके बाद फिर इनका पेस्ट बनाएंगे। अभी सेम कढ़ाई में मैं डालूंगी थोड़ा सा बटर। बटर में मैं डालूंगी थोड़ा सा मैदा, इसको हिला लेंगे। इसको मैदे को हमको हल्का सा ब्राउन नहीं करना है, बस आपको उसकी खुशबू आने लगेगी तब पता लग जाएगा कि मैदा फ्राई हो गया है। जैसे मेरा मैदा इज डन, अब मैं इसमें डालूंगी ठंडा दूध। ठंडा दूध डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, गर्म दूध डालेंगे तो वो कड़ल हो जाएगा। तो थोड़ा सा ठंडा दूध। इसमें मैं डालूंगी चीज, मेरे पास चीज स्लाइस है, आप इसमें मोजरेला चीज भी यूज कर सकते हैं, चीज स्लाइस यूज कर रही हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी ओरेगानो। थोड़ा सा सॉल्ट, इसमें पेस्ट डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा केचप और पास्ता। माय पास्ता इज रेडी। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। टाटा, तो माय डिनर इज रेडी। हम लोग अपना डिनर एंजॉय करते हैं और मैं अपना व्लॉग आज का यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरे रेसिपीज अच्छे लगेंगे। अगर आप ट्राई करते हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा सबसे बेस्ट लगा आज के डे में रेसिपी। और यस, प्लीज कीप सेफ, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, सेफ रहिए। तो सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम। और यस, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट इफ यू लाइक माई वीडियोज। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो बाय एंड टेक केयर, सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।